अल्लाह का बड़ा करम। समा भाई, आपने लास्ट प्रोग्राम में पेशन गोई की थी बॉर्डर साइड की, 20 से पहले आप ईरान का कहा, बॉर्डर साइड आप बड़ी देर से कह रहे हैं, बड़ी पेशन गोई आप कर रहे थे कि बॉर्डर साइड के जो पाकिस्तान के महाज है वो किसी ना किसी साइड से ओपन होगा, अफगानिस्तान वाला महाज ओपन हो गया, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए ये तो अब जो जैसे कहते हैं, जब हम प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं तो उस वक्त वो जमीन पे उसका कोई नक्शा नहीं होता। ये आपको याद होगा दिसंबर की है मेरे ख्याल में जब हम ये कह रहे थे, और फिर 20 जनवरी से पहले जब बताया था तो ईरान अटैक हो गया और उसके बाद अब ऑनवर्ड भी। तो ये मजाक ना लें, ये काम सीरियस हो जाना है, और ये इधर से भी हो सकता था। मैंने दो बातें की थी कि ये बॉर्डर साइड कहीं से भी गर्म हो जाएगी, या इधर से हो जाए या इधर से हो जाए, तो इधर से हो गई और ये भी एक्सट्रीम पे जाएगी, और देखते हैं आप मतलब ये कितनी, लेकिन ये ना समझें कि ये टल जाएगी या ये छोटा सा ट्रेलर है ईरान की तरह का कोई सोचने लगे इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक्सट्रीम देखनी है इस दफा। मिसाल के तौर पे अगर बड़ी आपकी इस साल आप टल भी जाएं, हल्की फुल्की मौसीकी, हल्की फुल्की टाख पाख, हल्की फुल्की उससे, ये जितनी भी तैयारियां है ना, ये अगले साल राहु और सैटर्न का कंजंक्शन जब होगा ना पाइसिस में, सैटर्न ने एक्वेरियस छोड़ना है, राहु पहले उधर है, तो आपको याद है बड़ा आप हम सुनते थे या आप ये पिछले प्रोग्राम्स में गुरु चंडाल योग की बातें करते थे, वो क्या होता है, राहु जाके बैठ गया, इसको थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, ये उड़ाता है, एक्सट्रीम लाता है, फैलाता है, बिखेरता है, इल्यूजन डालता है, उड़ाता है, तो मतलब इसको चंडाल इसको कहते हैं। साथ उस वक्त जुपिटर के बैठा था तो गुरु जुपिटर को कहते हैं गुरु चंडाल योग, कहने लगे इकट्ठे उसके इम्पैक्ट की अकल मारी जाती है, अकल दिमागों को उड़ाएगा। अब सर ये जब सैटर्न के साथ जाएगा, सैटर्न पहली एक ठंड तरीन मतलब वो है, उसके साथ इसने जाके पंगे करने हैं, वो एक अजीब सी ठंडे गर्म वाली जो कैफियत बननी है वो बनेगी, और ये सारे उसके असबाब बन रहे हैं। ये असल में समझे प्रियर टू दैट एक्चुअली ये सब होना है, इसलिए बस जितने दिन मिल रहे हैं उन्हीं पे गनीमत जाने बस। असम भाई थोड़ी सी बात करें चांद ग्रहण की, कि चांद ग्रहण पे बड़े लोग, बड़े एस्ट्रोलॉजर जितने भी है दुनिया के बड़े डरा रहे हैं कि चांद ग्रहण बड़ा खतरनाक है। अगर मैं थोड़ी सी साइंसी बात करूं, चांद ग्रहण का बेसिक तो ये है कि हम अगर समझते हैं कि चांद के आगे जब सूरज आता है तो ग्रहण हो जाता है, चांद की रोशनी जमीन पे, और सूरज ग्रहण ऐसे होता है कि सूरज के आगे जब चांद सर्कल करते घूमते आ जाए तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आती। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा क्योंकि 9:00 कुछ टाइम पे है, 4 घंटे का चांद ग्रहण है, और साइंटिफिकली आपको इसको समझाने की गर्ज से एक मिसाल दे सकता हूँ कि अगर कुछ देर के लिए एक बहता हुआ फ्लो रोक दिया जाए, मिसाल के तौर पे कुछ घंटों के लिए हम पानी रोक देते हैं कहीं लाइक अ डैम, और फिर उसको 4 घंटों बाद जब छोड़ेंगे तो फिर रास्ते में क्या कुछ होगा वो जरा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो चांद एक्चुअली जब लिक्विड को कंट्रोल करता है तो होता ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी नीचे लिक्विड्स हैं एकदम उनको वो जो एनर्जी मिल रही होती है वो खत्म होती है, मतलब आपका दिमाग, आपका बहता हुआ फ्लू, आपका जितने भी मामलात हैं, आप बल्कि खसूसन इंसान तो स्पेशली, क्योंकि ये तो 40 पे रहा है, इसको कंट्रोल चांद करता है, इसीलिए इस्लामिक डेज जो है आपको चांद से ऑपरेट किए जाते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि चांद ही असल में आपका मुहरिक है जिससे खुदा आपको ऑपरेट कर रहा है। तो ये जैसे ही एनर्जी स्टॉप होती है और फिर उनकी एक जैसे कहते हैं ना उनका एक इनकास बनता है, वो इनकास भी नेगेटिव इसलिए हो जाता है कि वो सूरज की भी जाहिर बात है दरमियान में सूरज भी आया है
और उसकी अपनी भी एनर्जीज हैं, तो एक मिक्स सा जैसे होता है ना, मिक्स रेज का एक वो बनता है कम्बिनेशन। हालांकि ये कहते होते हैं कि जी सूरज तो चांद का मरहूने मिन्नत है और इस तरह की काफी थ्योरीज हैं, लेकिन बहरहाल जो इस्लामिक के लिए हमें मिलता है, इसीलिए नमाज आयात का हुक्म है कि जब भी चांद गिरन सूरज गिरन देखो तो खुदा के हुजूर मुसल्लों पे खड़े हो जाओ और आफियत मांगो। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है, तो हमें ये हुक्म हुआ है कि हम नमाज आयात पढ़ें, और इसमें पांच पांच रकू के साथ होती है ये, मतलब एक सूरत पांच रकातों वाली उठाते हैं, एक रकात पढ़ते एक आयत पढ़ते हैं फिर रकू में चले जाते हैं, दूसरी आयत पढ़ते हैं फिर रकू में, इस तरह 10 रकू के साथ ये होती है, और हुक्म भी ये कि फौरन मुसल्लों पे चढ़ जाओ। अब बात ये है कि ये जो इसकी जैसे मैंने आपको साइंटिफिकली थोड़ी समझाने की कोशिश की कि फ्लो को रोक देना, जैसे आपकी हरकत कलब को रोक दिया जाए और फिर एकदम छोड़ा जाए, या उसका जो हल्का सा ब्रेक है। अच्छा, एक इम्पैक्ट वो है जैसे ये स्लो डाउन होगी उसका, तीसरा इम्पैक्ट होगा जब ये खत्म हो रहा होगा उसके इनकास का, वो इनकासी शुआएं जो पड़ेंगी वो बड़ी खतरनाक और नेगेटिव होंगी। तीसरा ये होगा कि दम फिर खुलेगा, मतलब दोबारा वो एनर्जी देने लगेगा। तो वो ऐसे ही होगा जैसे कई दफा बिजली जब आपकी जाती है और दोबारा जब कभी आती है अनएक्सपेक्टेडली, तो एकदम कई चीजें उड़ा भी देती है, कई चीजें उड़ा भी देती है। और अब वो जो अमूमन रिएक्शंस है ना, जो आपके जो एक्शंस होंगे इन बिटवीन जब ये शुरू होगा वो बड़े लो हो जाएंगे, अचानक जब वो टाइम गुजरेगा तो रिटेलिएशन या रिएक्शन बड़ा तेज आएगा किसी भी चीज में, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, वो एक इस तरह की सिचुएशन से निकलना भी हो सकता है कि जैसे आप अपनी जीभ छुपाने के लिए यार ये मैंने क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो फिर आप रिएक्ट बहुत ज्यादा शदीद कर देते हैं बाज़ औक़ात ये सोच के। तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा इसका जैसे मतलब जो है ना मैकेनिज्म है जिसकी वजह से चांद गिरन को या सूरज गिरन को खतरनाक गिना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा अमेरिका में देखा जाएगा, अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं, बेसिकली सूबों के इलेक्शन तो शुरू हो गए, जो पार्टी इलेक्शन है, ट्रंप साहब बड़े मजबूत है, किस तरह देखते हैं अमेरिका के हालात, क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट अमेरिका में भी पड़ने जा रहा है? अमेरिका में खून बहेगा, अमेरिका की बस खत्म है कहानी, जो जितनी अच्छे अच्छे बन के गुजार लिए, अनरेस्ट होगा, ब्लडशेड होगा, और अमेरिका डिफरेंट वॉर्स में घिर जाएगा, प्लस जो उधर भी जो तब्दीली और अनरेस्ट और उसका जो रिएक्शन है वो नजर आएगा। और ये ट्रंप नहीं बोल रहा, समझे कोई एस्ट्रोलॉजर ही बोल रहा है, अमूमन लोग जब बोल रहे होते हैं वो अपनी इंट्यूशन से बोल रहे होते हैं, वो जो महसूस कर रहे होते हैं या जो करने जा रहे होते हैं। तो हर शख्स के अंदर मैं अमूमन कहता होता हूँ कि किसी भी बंदे की जो बात को इग्नोर ना किया करें, गौर से सुना करें, उसके अंदर कोई ना कोई बात है तो वो बोल रहा है, और ये इंसान भी सितारे ही होते हैं समझ लें। और इसमें मजे की बात बताऊं कि जिसका जो रूलिंग प्लैनेट है ना, वही का रूलिंग प्लैनेट का बंदा ही उसके इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा शुरू से ही। धोखा होना है तो धोखे ही होते रहेंगे, अच्छा होना है तो अच्छे ही होते रहेंगे, दोस्त जैसे बचपन के थे वैसे ही बड़े हो गए, ये बस मिक्स ही रहना है काम, ये कभी भी वो नहीं होता, क्योंकि वही सेम आपके होते हैं ना, फ्रेंडली प्लैनेट्स वही एंटी प्लैनेट्स, तो यूं ही मामला घूमता रहता है। असमा भाई ये तो आपने ठीक कह दिया, लेकिन अब अगर हम बात कर लें रशिया की, तो पांचवी दफा सदर मुंतखब है पुतिन, क्या लगता नहीं वो ता हयात के किस्म के सदर है, अब वो पांचवी दफा अल्लाह उनको पता नहीं जिंदगी दे फिर देख के वो जब तक जिंदा है तब तक तो वो रशिया के सदर हैं, अगर उन्हें कुछ हो नहीं जाता। देखें इस टाइम रशिया, बल्कि आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम यूरोपियन फेलोज, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी हमारे सब कॉन्टिनेंट के, हमें सबसे हमदर्दी है, वो किसी भी मजहब मिल्लत के हैं, यूरोप ने जो कुछ किया यूरोप ने भुगतना है, हर किसी ने जो कुछ किया उसका मकाफात का साल है। प्यूटन ने इस 15 अप्रैल से पहले पहले ये जो चांद गिरन है, ये यूरोप के लिए, प्यूटन के लिए, यूक्रेन के लिए, ये इस सारे मामले को एक्सट्रीम पे ले जाएगा, और ये मामला जिससे जिसका जैसे कहते हैं ना, कबूतरों ने जो आंखें बंद की हुई थी
कोई नहीं ऐसे ही डराते हैं, ऐसे ही ये करते हैं। आज तो बल्कि मुझे नया खिताब मिला है, मैं बड़ा उस पे हंसा, लॉर्ड ऑफ डूम, क्यामत, डूम को कहते हैं डूम डे, क्यामत के दिन को कहते हैं डूम, तो लॉर्ड ऑफ डूम का खिताब मिल गया कि मैं इस तरह की पेशींगोइयां कर रहा होता हूँ, जो पेशगोइयां सॉरी प्रेडिक्शंस जो है। तो मैं आज बड़ा सरप्राइज था कि यार देखो इस टाइम क्या करें, हमें जो बताना है वही बताना है और आप उसके हिसाब से प्लान करें। अब अगर आगे बाग नहीं नजर आ रही या फूलों की सेजें नहीं है तो हम क्या करें, आपको झूठी तसलियां दें और कल को आप रोएं कि यार इसने मरा दिया, हमें कहा था बेफिक्र रहो। आप चलो बता रहे हैं, आप लोग टिकटों के पैसे जेब में रखो, सामान अपने वाइंड अप करो, बल्कि जिनके रेस्टोरेंट बिजनेस हैं या जो बिजनेस सेल कर सकते हैं यूरोप में, कीमतों पे उड़ाओ, जितनी में भी उड़ता है निकलो, टाइम है। और कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में मैं बारह बता चुका हूँ, हम भी एक एग्री प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एग्री में घुसे बस, ना कोई इस टाइम वो जैसे कहते हैं पैसे की वैल्यू होनी, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ, सिर्फ एग्री। तो इनको आप इंटीमेट कर रहे हैं बड़े अच्छे से, तो बजाय इसके कि इस पे प्लान करें, उल्टा हम ही कहते हैं कि जी आप हमें डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं। असामा भाई, आपने जो खतरे की घंटी बजा दी यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के और मुल्कों के लिए, थोड़ा सा हम बात कर लें अफ्रीका की। अफ्रीका का फ्यूचर क्या देखते हैं, इस पे एक तफसीली वीडियो मैं आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि अगर इतना खतरनाक है तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे हम जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर अफ्रीका की बात कर लें, कैसा देखते हैं अफ्रीका का? देखिए ये अभी इम्पैक्ट तो सिर्फ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ईस्ट अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो है, और जापान और अमेरिका, रशिया, आपका ये यूरोप, ये चांद की तरह एक्चुअली इनको अफेक्ट करना है। और बाकी कहानी तो सर अब हर तरफ ओवर होनी है, भागने भूगने का कोई फायदा नहीं है, अपने बस दोस्तों में जान देनी है कि गैरों में जान देनी है, अपनों में देनी है या गैरों में देनी है, और लूसियों की तरह मरना है कि शेरों की तरह मरना है, या किस तरह की आप अब आखिर अपना डिफाइन करते हैं, बस उस हिसाब से सोचना शुरू करें। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे कहते हैं ना, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये बस अभी, ये जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ, जैसे चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वैसी फौरन फौरन हो रही हैं, और भी ऐसी ही होगी, और अब इतनी देर नहीं बाकी बची किसी के पास भी। तो इसलिए आप कहें जी हम अफ्रीका चले जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं, बात को समझे, बुनियादी बात को समझे, आप लोगों ने खुदा के निजाम के मुकाबले में ये समझ लिया था कि इंसान हम दो चार पंचायती बैठ के हम कोई अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, और हमें खुदा की क्या जरूरत है, हमें रसूल की क्या जरूरत है, हम तो ऐसी दुनिया चलाएंगे और जबरदस्त चलाएंगे, मादे को बढ़ाएंगे, इंसान छोटा करते जाएंगे, दुनिया बनी इंसान के लिए थी, मादा बड़ा हो गया, मादा परस्तों ने फिर उसी की जैसे कहते पूजा शुरू कर दी। अब चक्कर यह है कि मादे ने जमीन बोस होना है पूरी दुनिया में, इस वजह से कहीं भी जहां खुदा और उसके रसूल के मुताबिक कोई निजाम की हल्की सी भी झलक है, बस वो दुनिया का खिता महफूज है, बाकी हर तरफ शैतान ने नाचना है। और आपके वजह से कहते हैं ना खून की, वो क्योंकि वो वादा करके आया था, उसने कहा था मैं इनको बर्बाद करूंगा, अल्लाह ताला ने कहा था मेरे बंदों पे तेरा जोर नहीं चलेगा, तो उस फार्मूले से हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, फौसी हैं, जो जो इस टाइम फलस्तीन की उस जेहद में है, इनको कुछ नहीं होना, उड़ा देना, कितने लोगों के सर देता है अमरीका, मुल्कों को उड़ा देता है, हसन नसरुल्लाह का सर उड़ाए, दिखाए अपना कमाल, अल्लाह ताला ने कहा था मेरे बंदों पे तेरा जोर नहीं चलेगा, तो इसलिए अल्लाह ताला के बंदों पे नहीं चलना, वो दुनिया में जिदत भी हो बस। तो इसलिए बेहतरीन बात यह है कि हम सब उसकी छाओं में इकट्ठे हो जाएं, अपने खुदा की जैसे कहते हैं ना, अपने नबी की आगोश में जैसे कहते हैं ना, कि इकट्ठे हो जाएं और कोई गैरत कर लें, बस वही आफियत मिल जाएगी, वो जमीन का जो भी टुकड़ा हुआ। और अगर खुदा और उसके निजाम के खिलाफ बेगैरती के घूंट पी के आप बेशक काबे की छत पे भी हुए तो आप नहीं बचते, अब सिंपल इज दैट, कि ये अरबों का भी टाइम आया पड़ा है, ये टाइम लंबा नहीं है, बल्कि आपके लिए तो मैं अमूमन कहता होता हूँ कि हमारे जो ना क्योंकि सब एस्ट्रोलॉजर्स में सबसे ज्यादा मेरा ख्याल आप ले रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, तो इसका एक चार्ट बनना चाहिए,
मेरा मंथली चार्ट होना चाहिए कि मेरी कितनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई कितनी गलत हुई, प्लस मेरी जो कॉपीराइट्स है ना उनको भी पहले ले ली मेरी प्रेडिक्शंस के बाद, फिर टेक्निकल वो कर ली। ये नहीं कि फिर कॉपी पेस्ट शुरू हो जाते हैं। मैं तो अब इसलिए लेट देने लग गया हूँ कि भाई पीछे कॉपी पेस्ट शुरू है पूरे मुल्क में, और उसके इससे पहले आपको पता ही है कि तारीखें कौन देता था। तो अब एक तो ये है कि थोड़ा सा इनका पेपर वर्क ना टाइट करवाए, पाकिस्तानियों को जरूरत है, इस वक्त कौम को जरूरत है, बादाम शादाम खाएं ये सारे और परफॉर्मेंस दें। प्लस हमारे चार्ट बनने चाहिए कि जी महीने में किसकी कितने परफॉर्मेंस आई है। पेपर ही है ना, चलो कोई नहीं, मतलब इसमें गलत भी हो सकते हैं, हम ठीक भी हो सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमें फिक्र तो होगी कि थोड़ा सा मेहनत करनी है। प्लस जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ट्रू एस्ट्रोलॉजर है, उसकी जो आवाज है ना उसमें पता चलना चाहिए कि इसको मुस्तकबिल का पता है। शेर की तरह बोलना चाहिए उसको, उसको पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा दिन अंदर है या मेरा दिन बाहर है। नहीं समझ रहे? सबसे पहला टेस्ट ये है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो निचला दा लेता नजर सिर्फ वही है जिसका छठा घर खराब है, और वो भी पूछ लिया करें कि सर आपसे सवाल करने से पहले पूछ लूं कि किस लेवल का सिक्स हाउस आपका कैसा है। मैं खुल के सवाल कर सकता हूँ जान की मान पाऊं तो। तो ये असल में सर मसला ये है कि ये जो आगे आने वाली जो आप जो एक लॉजिकल आपकी अप्रोच है कि कौन सी दुनिया का कोना ढूंढे, कोई कोना नहीं, अल्लाह रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की छांव जो है ना वो कहीं भी तपती धूप में भी मुयस्सर आ गई ना वहीं अमन होगा बस। असम भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे, इंशाल्लाह इंडिया पे हम एक वीडियो सेपरेट करेंगे क्योंकि वहां पे मोदी साहब से हैं, वजीर आजम है, क्या तीसरी दफा बनने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, चांद ग्रहण के पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे, कोई है इसके मनफी? देखिए इस पे पाकिस्तानी और इंडियन सियासत पे एक जैसी असरात रहने हैं, जो जैसा था उसी में फ्लो करेगा। और जो आपने इंडियन की बात की, डेफिनेटली इस दफा उधर भी आप नया ही खिचड़ियां देखेंगे पकती, कोई नई लोग ही आएंगे, जैसे इस दफा अनसर्टेन रिजल्ट्स थे उधर भी ऐसे क्रिएट होने हैं। मोदी के सितारे ठीक है, हो सकता है उसी की चांसेस हैं, लेकिन नई कोलेशंस बना के होंगे। और जो पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान की जो ये है ना अनरेस्ट, वो दिन ब दिन हम उसके करीब हो जाएंगे, और वो पहले ही है, मतलब चांद गिरन से पहले ही हम प्रेडिक्ट करके बैठे हैं कि ये अब मार्च और अप्रैल एक्सट्रीम मंथ होंगे। तो ये तो माह रमजान की बरकतें हैं इस वक्त, जितनी इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जो सुन रहे हैं, या अमूमन आपको पता सबको सब लोगों की बात समझ नहीं आती, कुछ पुराना ट्रैक कर रहे होते हैं वो जानते हैं कि प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं या नहीं होती, दूसरे होते हैं कहते हैं तीर तुक्के हैं जो पांच मिनट के लिए आते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जो समझते हैं, जो पुराने सुन रहे हैं, जिनको थोड़ा सा जो फॉलो करते हैं हमें, ये माह रमजान को रीझ से गुजार लें, ऐसा माह रमजान आपको आगे नहीं मिलना। ये बात कहीं भी दीवारों पे अपनी लिख लें, इसको जितना इसके जैसे कहते हैं ना लूटना है मजे लूट लें, इसकी बख्शिश करवा लें, गर्दनें अपनी आजाद करवा लें, जहन्नम से गुनाहों से पिछली माफियां तलाफियां करा लें, जितने कमाल करने हैं जितनी कदरें तय करवानी है वो करवा लें। आगे ये अगला माह रमजान, इस माह रमजान को याद करेंगे बस ये लोग सारे। असम भाई क्या पीटीआई जलसा कर पाएगी 23 को? तो नहीं कर पाई, क्या 30 को कर पाएगी? देखें ये अगर सूरत हाल जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना अनरेस्ट की, उसको ट्रिगर करने के कोई मौके चाहिए, वो ये बन जाए बहाना, वो बन जाए, कुछ भी बन जाए, पीटीआई बन जाए, नून लीग बन जाए, काला चोर बन जाए, जो मर्जी बन जाए, बहाना बनना है अनरेस्ट का। वो अगर किसी को सीधा सीधा रास्ता दे देंगे तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन वो असल में अनरेस्ट जो क्रिएट होना है, कुदरत का बस खेल है। लोग किसी को ब्लेम कर रहे होते फला ने ये कर दिया, मैं कहता हूँ ये ना होता फला होता तब भी यही होना था। नहीं समझ रहे? ये बंदा ना होता कोई और होता तब भी यही होना था, क्योंकि ये इस टाइम तय हो चुका है कि हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में दाखिल हो गए या अब हो के ही रहना है, तो उसको ट्रिगर चाहिए।
तो वो ट्रिगर ऐसे तो नहीं होगा कि जलसा हो जाए और बड़े अमन सुकून से हो जाए। तमा भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस एक ही मैसेज है, इस माह मुबारक में अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, सबसे माफी मांगे, जितने अजीज और अकारब है उनसे माफी मांगे, जिनसे दिल आजारी है उनसे माफी मांगे, ताक रातों में अपने गुनाहों की बख्शवा लें। गर्दने छुड़वाने का महीना है, गुनाह बख्शवाने का महीना है। इसमें कोशिश करें दुआए जोशन कबीर जो है गूगल कर लें सब, 1000 सिफात की दुआ है अल्लाह ताला के नाम है, उसमें ताक रातों में शुरू करें और 19 से ताक रातें शुरू किया करें। क्योंकि अगर अशरा 29 का हो, 29 के माह रमजान हो, तो अशरा 19 से शुरू होगा। ये लॉजिक बड़ी ये इग्नोर कर देते हैं अमूमन, तो 19 से शुरू किया करें, ताक रातों को बिल्कुल जाया ना जाने दें। ऐसा माह रमजान दोबारा आप लोगों को इस तरीके से ये मजे और ये सब ऐसा नहीं नजर आता कि ये मजे आपको दोबारा मिले। थैंक यू सो मच, मुझे और मोहम्मद असलाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।